हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बाजार जैसी मेहंदी इस पत्ते से लगा के दिखाऊंगी। देखिए, ये मेहंदी के पौधे हैं, इसी पत्ते से मैं आपको मेहंदी लगा के दिखाऊंगी। मेहंदी के पौधे हैं, इस पत्ते को मैं पीस के, सिलबट्टे में भी आप पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सर में पीसूँगी। आप इसको कोन में भी करके लगा सकते हैं। मैं इसको लकड़ी की मदद से लगा के दिखाऊंगी। इसको मैं पीस के पेस्ट बना लेती हूँ। पहले तो केमिकल वाला मेहंदी था ही नहीं, तो लड़कियाँ लोग यानी शादी पार्टी फंक्शन जो भी लगाती थी मेहंदी, तब इसी पत्ते से ही मेहंदी लगाती थी। इसको पीस के, और बहुत महीन पीसना पड़ता है इसको, इसके हाथ में लगाती थी। देखिए, मेहंदी के पत्ते हैं, इसको मैं तोड़ के ले आई हूँ। अब मैं इसको मिक्सी में डाल देती हूँ। मिक्सी में डालने के बाद इसको इस तरह पेस्ट बनाऊंगी। इसमें पानी थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत गीला हो जाएगा। देखिए पेस्ट बन के कितना अच्छा तैयार हो गया, जो कितने महीनी है। लेकिन आज तो मैं इसको लकड़ी से लगा के दिखाऊंगी, इसको कोन में नहीं डालूंगी। लकड़ी से लगाने के बाद इसका लाली जो निकलेगा, तो आप देखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और ये केमिकल वाला मेहंदी जो होता है, उससे ज़्यादा दिन इसका लाली टिकता भी और निखरता भी अच्छे से है। उसका तो काला हो जाता है, लेकिन इसका लाली तो गजब के ही निखरता है। देखिए, मैं इस लकड़ी की मदद से इस मेहंदी को अपने हाथ पे रच के दिखा रही हूँ। आप लोग भी लगा सकते हैं इस मेहंदी को इस लकड़ी की मदद से। आपको थोड़ा भी मेहंदी लगाने का ज्ञान नहीं होगा, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका डिजाइन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, आराम से आप लगा सकते हैं। देखिए किस तरह लगा रही हूँ। देखिए मैं अपने अंगुली में किस तरह इसको भर लिया हूँ। ये नेचुरल मेहंदी है, इसको आप सूखने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा टाइम में सूखेगा लाली, इसमें पकड़ने में टाइम लगता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह आप भी लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा भी खर्च नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं है, आप भी लगा सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके।